हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज अपन बात कर रहे थे, अपन दो मेथड पढ़ रहे थे कि जटिल परिपथ को सॉल्व करने के कोई मेथड होते हैं, तो उसमें एक मेथड तो था अपने पास संधि विश्लेषण, दूसरा था लूप विश्लेषण। तो आज अपन बात करते हैं, संधि विश्लेषण कर लिया था, उसके बेस पे अपन एक न्यूमेरिकल भी देखा था कि कैसे वोल्टेज का मान ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले तो बात की थी अपन ने संधि विश्लेषण की, या नोड एनालिसिस की, या जंक्शन एनालिसिस की। दूसरा मेथड है अपने पास पास या लूप एनालिसिस, यानी मैश या लूप एनालिसिस, तो पास या लूप विश्लेषण। तो उसके लिए अपन ने एक डायग्राम कंसिडर किया, जो डायग्राम में क्या लिया अपन ने, कोई भी बैटरी ली है ई, इसमें इम्पीडेंस लगाया 5, तो Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 क्या इसमें इम्पीडेंस है, और उसमें करंट बताया कि फर्स्ट लूप में I1 जा रही है, सेकेंड लूप में I2 जा रही है, थर्ड लूप में I3 जा रही है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले तो पास लूप एनालिसिस क्यों काम में लिया जाता है, तो लूप एनालिसिस क्यों काम में लिया जाता है वो अपन देख सकते हैं। तो लूप एनालिसिस क्यों काम में लेते हैं अपन, सबसे पहले तो इसको जो काम में लेने का मीनिंग है कि क्या निकाला जाता है। जैसे अपन ने नोड एनालिसिस लिया था, उससे क्या निकाल देते, संधि बिंदु पर वोल्टेज निकाल देते। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, यहाँ पे लूप में अपन क्या निकालते हैं, धारा का मान निकालते हैं, धारा का मान ज्ञात करने के लिए। यानी प्रत्येक लूप में क्या है अपने पास, I1, I2, I3 धारा है, तो इसमें क्या निकालेंगे अपन, I1, I2, I3 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो वाले मेथड है। बात करते हैं फर्स्ट वाला जो मेथड था अपने पास लूप एनालिसिस, सॉरी नोड एनालिसिस, उसमें अपन काम में लेते थे, क्या काम में लेते थे, किरचॉफ का फर्स्ट नियम, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अब यहाँ पे अपन क्या काम में ले रहे हैं, यहाँ पे अपन लेंगे किरचॉफ का सेकेंड नियम, जो क्या बताता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। यहाँ तो यहाँ पे क्या काम में लेना है अपन को, किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम। तो इस नियम में क्या करते थे अपन, कोई भी लूप मानकर लूप की इक्वेशन लिखते थे, तो वही चीज इसमें आपको करनी है। तो ये हो जाएगा अपने पास, यही मेन इंपॉर्टेंट है कि ये किस लिए काम में लिया जाता है, धारा का मान ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि जो लूप में I1, I2, I3 है वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है, बाकी किरचॉफ का द्वितीय नियम काम में लेते हैं। तो अपन सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसमें कुछ करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं अपन, की कौन सी करंट किस किस में से जाएगी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, तो यदि बात करें अपन इसकी, तो यहाँ पे तो क्या लग रही है, बैटरी ई लग रही है, यहाँ पे अपना करंट कौन सा जा रहा है, I1 जा रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे तो करंट कितना है अपना I1, तो यहाँ तक तो ये I1 रहेगा, यानी यहाँ पर कितना रहेगा I1। फिर ये कह रहा है कि इस लूप में कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, यानी यहाँ पे तो कितना आ रहा है अपना I2। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें कितना जाएगा, कोई भी संधि बिंदु, यानी अपन ले सकते हैं कि ये वाला क्या हो गया, संधि बिंदु हो गया, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा कितनी है I1, यदि इस पॉइंट पे बात करें, जाने वाला धारा कितनी है I2, और इसको मान लेते हैं कौन सी I3, तो I3 का मान कितना होगा, I1 माइनस का I2 होगा, यानी ये वाले करंट कितनी होगी अपने पास, I1 माइनस का I2। तो ऐसे ही जब यहाँ तक आएगा तो I1 माइनस I2 आएगा, फिर I1 अपने रास्ते, तो ये हो जाएगा I1 और I2 अपने रास्ते। फिर वो कह रहा है कि अपने पास यहाँ पे जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, I2 आ रही है। अब अपन बात कर रहे हैं I2 आ रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, ये वाला जा रही है I5, तो ये वाली कितनी जाएगी अपने पास, I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I4 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास I2 माइनस का I5, ये वाली वैल्यू रहेगी, तो वही चीज रह जाएगी अपने पास। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली क्या अपने पास, करंट की डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो क्या किया अपन ने, इसमें करंट की डायरेक्शन दे दी, ये I1 I2 था, ये I1, तो यहाँ पे I1 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें I1 माइनस I2, ये हो जाएगा I2 माइनस का I5। अब अपन बात करते हैं इसमें निकालना क्या, अपन को I1, I2 और I3 कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज देखनी है, तो देखते हैं अपन उसको। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले लूप बनाते हैं, तो इसको तो मैं हटा दूं यहाँ से। जब अपन बात करते हैं किरचॉफ के सेकंड नियम से, यानी कोई भी लूप बनाना है, तो लूप के लिए आपको सबसे पहले नाम देना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो देखो अपने पास तीन लूप बनेंगे, तो फर्स्ट लूप दे देता हूँ लूप ए बी जी एच ए में, कौन से नियम से, किरचॉफ के सेकेंड नियम से। तो ये क्या देगा अपन को, देखो क्या देगा, बी इज इक्वल टू क्या देता है, आई आर देता है, तो ये हो जाएगा अपना I Z1 I1 Z1, ऐसे ही आगे जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, देखो करंट यहाँ तक तो आएंगे यही रहेगा अपने पास I1 Z1, यहाँ से क्या होगा ये वाली करंट हो जाएगी, यानी करंट के साथ ही चल रहे अपन, यानी ये क्या हो जाएगा I1 माइनस का I2, साथ में क्या हो जाएगा Z2।
ऐसे ही वापस यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस का ई इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, आई वन जेड वन प्लस आई वन जेड टू माइनस का आई टू जेड टू माइनस का ई इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो आई वन अलग ले लो तो आई वन तो हो जाएगा अपने पास जेड वन प्लस का जेड टू और माइनस का आई टू जेड टू इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, ई। तो ये तो क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि सेकेंड लूप की बात करें तो लूप बी सी एफ जी बी में, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि यहाँ पे माने कि आई टू जेड थ्री, तो ये हो जाएगा आई टू जेड थ्री प्लस का, फिर अपने पास देखो यहाँ तक तो वही आ रहा था, नीचे कौन सी करंट जा रही है, आई टू माइनस का आई फाइव यानी प्लस का आई टू माइनस का आई फाइव, साथ में क्या हो जाएगा जेड फोर। और यहाँ पे जब यहाँ से आएंगे तो वापस यहाँ से आएंगे तो ये वाली करंट कैसी, देखो ये वाली करंट अब अपन तो कहाँ से चल कर रहा है, यहाँ से चल कर यहाँ से जा रहे हैं, ये करंट सामने से आ रही है, इसका मतलब अपन से करंट टकरा रही है। करंट टकराने का मीनिंग है कि वो कैसे लेनी है अपन को, माइनस यानी आई वन माइनस आई टू जेड टू। ये वाली चीज़ ध्यान रखना कि प्लस माइनस में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, जब अपन चल रहे हैं और करंट भी अपने साथ चल रही है तब तो क्या लेना प्लस, यदि अपन सीधे जा रहे हैं और करंट सामने से आकर अपन से टकरा रही है इसका मतलब वहाँ क्या लेना है माइनस। तो यहाँ तो अपन ने ले लिया प्लस, तो आई टू जेड थ्री ले लिया प्लस का, ये ले लिया अपन ने आई टू माइनस आई फाइव जेड फोर प्लस का, क्योंकि करंट के साथ ही है। जब यहाँ से वापस यहाँ जा रहे हैं अपन तो करंट सामने से आ रही तो करंट टकरा रही है यानी माइनस का आई वन माइनस आई टू जेड टू हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, आई टू जेड थ्री प्लस का आई टू जेड फोर माइनस का आई फाइव जेड फोर माइनस का आई वन जेड टू प्लस का आई टू जेड टू। जल्दबाजी में प्लस माइनस की मिस्टेक मत कर लेना, बहुत सारी प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है इसमें। तो इसमें देखो आई टू आई वन आई टू ये सब अलग अलग करने हैं, तो देखो इसमें आई टू तो कितने में आ रहा है अपने पास, आई टू इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो सबसे पहले तो आई टू क्या आ जाएगा अपने पास जेड थ्री प्लस जेड फोर, क्योंकि आई टू दो में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का जेड टू, यानी ये आई टू वाली टर्म हो गई। फिर अपन देखते हैं आई वन वाली, तो आई वन कितना है, आई वन जेड टू और माइनस का आई फाइव आई फाइव आई फाइव हो जाएगा अपने पास कितना जेड फोर। एक मिस्टेक कर ली अपन ने कि यहाँ पे आई फाइव करंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है, ओनली आई थ्री जा रही है, क्योंकि अपन को लूप में दे रखा है कि ये कितना है आई थ्री है, तो ये आई वन या आई टू, तो आई थ्री कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा अपना आई थ्री होगा। तो इसमें कुछ मिस्टेक है वो ध्यान रख लेना कि यहाँ पे अपन चल रहे थे, यहाँ पे आई थ्री बता रखा है, आई थ्री बता रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास आई थ्री होगा, और यहाँ पे क्या होगा अपने पास आई टू माइनस का आई थ्री होगा, तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा, तो वो चेंज कहाँ पे होगा अपने पास, यहाँ पे होगा आई टू माइनस का आई फाइव, तो उसकी जगह आई थ्री है, क्योंकि आई फाइव तो लूप में करंट ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आई टू जेड थ्री आई टू जेड फोर माइनस का आई थ्री जेड फोर माइनस आई वन जेड वन आई टू जेड टू। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या टर्म आई वन वाली आ रही है और कौन सी आई टू आ रही है और कौन सी आई थ्री आ रही है, तो देखते हैं आई वन आ रही है कि इसमें, तो आई वन आ रही है आई वन जेड टू, आई टू आ रही है आई टू इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो प्लस का आई टू तो ले लिया कॉमन, जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस का जेड फोर ले लिया माइनस का आई थ्री जेड फोर इज इक्वल टू जीरो। तो एक इक्वेशन क्या आ गई अपनी, ये वाली आ गई। फिर अपन लूप थर्ड की बात करते हैं, तो लूप थर्ड में क्या आएगा, लूप थर्ड यानी सी डी ई एफ और सी में, जब ये वाली बात करेंगे तो यानी सी डी ई एफ सी में ये क्या आना चाहिए अपने पास, किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो आई थ्री जेड फाइव, आई थ्री जेड फाइव वहाँ से चलेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे आई थ्री जेड फाइव आ जाएगा करंट के साथ चले, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, फिर यहाँ से वापस जाएंगे तो करंट सामने से टकरा रही है, यानी ये क्या टर्म आएगी अपनी माइनस में आएगी, तो माइनस आई टू माइनस का आई थ्री साथ में क्या आएगा जेड फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हो जाएगा आई थ्री जेड फाइव माइनस का आई टू जेड फोर प्लस का आई थ्री जेड फोर इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो सकता है अपना, देखो आई टू दो टर्म में, आई थ्री दो टर्म में आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा आई टू जेड फोर प्लस का आई थ्री हो जाएगा और जेड फोर प्लस का
Z5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। देखो अपने पास तीन लूप थे, तीन लूप थे तो अपन ने क्या किया, तीन इक्वेशन निकाल ली किरचॉफ के सेकंड नियम यानी वोल्टा वाले नियम से। तो ये हो गई अपनी तीनों इक्वेशन। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन को निकालना है कि I1, I2, I3। तो अपन तीनों इक्वेशन को देखते हुए, आप क्रेमर नियम अच्छे से मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि क्रेमर नियम क्या होता है, तो क्रेमर नियम के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ये तीन इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसको सारणिक डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन क्रेमर नियम लगाते हैं, तो क्रेमर नियम से लिख लेते हैं। तो देखो अपने पास I1, I2 और I3 आ रहा है। सबसे पहले तो I1 इसमें भी आ रहा है, I2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। I2 इसमें इक्वेशन नंबर एक, देखो मैं इक्वेशन वापस लिख लेता हूँ, I1 Z1 प्लस Z2 माइनस का I2 Z2, यहाँ पे I3 कुछ भी नहीं है तो प्लस का I3 साथ में क्या कर दो, 0 इज इक्वल टू ए। सेकेंड इक्वेशन आई थी अपने पास माइनस का I1 Z2 प्लस का I2 Z2 प्लस का Z3 प्लस का Z4 और माइनस का I3 Z4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आई है अपनी आई, इसमें देखो I1 नहीं है तो I1 क्या मान लो, I1 साथ में 0 मान लो, माइनस का I2 Z4, I2 Z4 हो गया, प्लस का I3 Z4 प्लस का Z5 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो, इसको मैं क्रेमर नियम से लिखता हूँ। क्रेमर नियम से ये तीनों इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा 12th में या मैथमेटिक्स बीएससी में कि क्रेमर नियम कैसे यूज लेते हैं। तो जब अपने पास तीन इक्वेशन है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए या इजी मेथड में बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रेमर नियम लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास I1, I2, I3। तो ये हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले जेड के लिखता हूँ, तो Z1 Z2 फिर माइनस का Z2 फिर 0। ये हो जाएगा अपने पास Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 और माइनस का Z4। ये हो जाएगा अपने पास 0, I2 हो जाएगा माइनस का Z4 और ये हो जाएगा Z4 प्लस Z5, यानी ये तो किसकी मैट्रिक्स बन जाएगी अपनी, जेड की। ऐसे अपनी I1 I2 I3 इज इक्वल टू ये हो जाएगी अपनी E00। तो ये क्या हो जाएगी अपनी डिटरमिनेंट या सारणिक बन जाएगी, जिसमें क्या किया अपन ने, I1 I2 I3 तीनों अलग अलग थे, तो I1 के साथ क्या था अपना Z1 प्लस Z2, तो वो लिख लिया है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वापस यही इक्वेशन आएगी, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा, तो यही इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही यहाँ पे I1 क्या था, माइनस का Z2, तो ये I1 क्या आ जाएगा अपने पास, जो सेकेंड इक्वेशन लिखी है वहाँ माइनस का Z2 है, तो ये माइनस का Z2। I2 की टर्म में क्या अपने पास Z2 Z3 Z4 प्लस का माइनस का Z4 है, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का Z4 हो जाएगा और ये प्लस का। तो ये जब इसको सॉल्व करते हो तो वापस क्या है, ये तीनों इक्वेशन ही आएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये तो किसकी मैट्रिक्स है, जेड की, ये जेड और ये है आई की और ये है ई की या बी की। तो अपन लिख सकता हूँ कि तो ये तो जेड का रूप है और ये ई का रूप है। अब अपन को निकालना क्या है, I1 I2 I3 निकालना है। तो इसके बेस पे अपन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो क्या निकालते हैं, जो ये वाली सारणी है इसको तो मैं नाम दे देता हूँ डेल जेड। देखो ये वाली सारणी क्या हो जाएगी अपने पास, Z1 प्लस Z2 माइनस का Z2 0 माइनस का Z2 Z2 प्लस Z3 प्लस का Z4 माइनस का Z4 0 माइनस का Z4 और Z4 प्लस का Z5। एक चीज ध्यान रखना कि मेरे ये जेड और टू लिखने में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जेड को ऐसे लिखता हूँ और टू को ऐसे लिखता हूँ, तो हो सकता है आपको टू लग रहा हो, तो ये टू नहीं जेड है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जेड वाली सारणी हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल जेड। फिर अपन क्या करते हैं, अभी एक तो इसको तो मैंने मान लिया डेल जेड, यानी डेल जेड की वैल्यू यदि आप निकालनी हो तो इस तरह से लिखकर सारणिक सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब अपन देखते हैं कि I1 I2 I3 E00, तो अपन देखते हैं कि I1 I2 I3 कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो अपन को एक डेल वन की वैल्यू निकालनी है, डेल वन यानी मैं क्या करता हूँ, जो E00 वाले स्तंभ है
यानी ये वाला है, ये जब डेल वन निकालना है तो इसको तो कहाँ प्रतिस्थापित करूंगा, यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। जब डेल टू निकालूंगा तो ये कहाँ यहाँ पे रिप्लेस करूंगा और थ्री में यहाँ पे। तो देखो किस तरह से रिप्लेस करते हैं अपन। फर्स्ट हो जाएगा ई जीरो जीरो, फिर बाकी टर्म ऐसे कि ऐसे जेड टू जेड थ्री प्लस जेड फोर माइनस का जेड फोर, जीरो माइनस का जेड फोर, जेड फोर प्लस का जेड फाइव। तो ये क्या हो जाएगा अपना डेल वन, ये जेड है ये वन है। यदि टू डेल टू निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ये जो ई जीरो जीरो था वो आप रिप्लेस करना है सेकेंड वाले में, यानी जेड वन प्लस जेड टू ऐसे का ऐसे रहेगा, माइनस का जेड टू और जीरो, ई जीरो जीरो और जीरो माइनस का जेड फोर प्लस का जेड फाइव। तो ये क्या रहेगा अपना, ये वैल्यू हो जाएगी अपनी किसके, डेल टू की। और इसके आगे क्या निकालना है अपन को, डेल थ्री। तो ये वाला ई जीरो जीरो यहाँ पे थर्ड वाले में रिप्लेस करना है, यानी जेड वन प्लस जेड टू माइनस का जेड टू जीरो माइनस का जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर और माइनस का जेड फोर, और ये क्या हो जाएगा ई जीरो जीरो। तो ये हो जाएगा अपने पास डेल थ्री। तो इस तरह से यदि कोई न्यूमेरिकल हो तो न्यूमेरिकल हो उसमें आपको क्या दे रखी होगी, सब वैल्यू दे रखी होगी। तो वैल्यू दे रखी होगी तो आप इसको आसानी से सारणिकों को या डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अपन को निकालना क्या था, सबसे पहले तो इसमें निकालना था क्या अपन को, करंट। यदि आई वन निकालना है तो आई वन कैसे निकलेगा, देखो आई वन कैसे निकलेगा, इसमें आई सबकी वैल्यू आ गई अपने पास, डेल जेड आ गया, डेल वन आ गया, डेल टू आ गया, डेल थ्री आ गया। यदि आई वन निकालना है तो आई वन किसके बराबर होगा, डेल वन अपॉन में डेल जेड के। ऐसे यदि आई टू निकालना है तो आई टू किसके बराबर होगा, डेल टू अपॉन में डेल जेड के, ये टू है और ये जेड है। ऐसे ही आई थ्री निकालना है तो ये क्या होगा, डेल थ्री अपॉन में डेल जेड। तो ये वाले की इससे क्या निकल जाएगा अपना, करंट निकल जाएगा। तो ये अपना क्या है, कंप्लीट मेथड है। कौन सा मेथड है, लूप एनालिसिस या मैश एनालिसिस। तो जिसको अपन ने क्या किया था, किसके लिए यूज लेते हैं, ये लिए यूज लेते हैं अपन प्रत्येक लूप में धारा निकालने के लिए। तो धारा ये आई वन आई टू आई थ्री जो निकालना था उसके लिए यूज लिया है। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अपन ने करंट की डायरेक्शन फिक्स कर दी। करंट की डायरेक्शन फिक्स करने के बाद क्या किया अपन ने, इस पे संधि बिंदु पर ही करंट की डायरेक्शन फिक्स करने के बाद इसमें भी करंट की ले ली, इसमें भी करंट की डायरेक्शन ले ली। फिर अपन ने क्या कि किरचॉफ के सेकंड नियम की सहायता से तीन लूप माने, तो तीन लूप, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप और थर्ड लूप। यानी ये तो फर्स्ट लूप था, ये सेकंड लूप था और ये क्या था अपना, थर्ड लूप था। तो तीनों लूप का क्या लिखी अपन ने, इक्वेशन लिखी किसके बेस पे, किरचॉफ के सेकंड नियम के बेस पे। किरचॉफ के सेकंड नियम के बेस पे इक्वेशन लिखने के बाद क्या किया अपन ने, उन तीनों इक्वेशन को सारणी के रूप में लिखा, यानी क्रेमर नियम लगाया। तो तीनों इक्वेशन को क्या किया अपन ने, क्रेमर नियम से इस फॉर्म में लिखा। इस फॉर्म में लिखने के बाद ये वाला डेल जेड बन गया, इसको ई जीरो जीरो को यहाँ पे रिप्लेस किया तो अपना क्या बना, ई डेल वन, यहाँ पे किया तो डेल टू और यहाँ पे किया तो डेल थ्री। तो यहाँ से ये सब वैल्यू निकलने के बाद क्या हो गया, आई वन इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, डेल वन अपॉन में डेल जेड, आई टू होता है डेल टू अपॉन में डेल जेड और आई थ्री होता है डेल थ्री अपॉन में डेल जेड। तो इससे अपना क्या निकलेगा, आई वन आई टू और आई थ्री तीनों की वैल्यू निकल जाएगी। तो स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी आप नोट्स अच्छे से बनाते रहो, ऐसा नहीं कि कन्फ्यूज हो जाओ और प्लस माइनस की मिस्टेक कर लो। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है आपके पास, टेलीग्राम नंबर भी है, इंट्रोडक्शन में मेरा वीडियो है तो उसमें मैंने कॉन्टैक्ट सब कुछ दे रखा है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम व्हाट्सअप, जो भी आप प्रॉब्लम सेंड करनी हो तो आप किसी भी फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप हो किसी पर भी सेंड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा ये। तो ये अपना क्या था, लूप एनालिसिस। तो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, कल स्टार्ट किया था, जो इससे पिछली वाली क्लास थी उसमें स्टार्ट किया था कि जटिल परिपथ को सॉल्व करने के या जटिल परिपथ को हल करने के लिए कुछ प्रमेय मानो या फिर कुछ मेथड मानो। तो अपन ने दो मेथड लिए थे, सबसे पहले क्या लिया था, नोड एनालिसिस या संधि विश्लेषण, दूसरा लिया अपन ने लूप विश्लेषण। दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो भी एक बार बता देता हूं मैं आपको।
देखो दोनों में डिफरेंस क्या, अपने पास दो मेथड लिए थे अपन ने, एक तो लिया था फर्स्ट वाला जो मेथड लिया था वो तो लिया था नोड एनालिसिस, दूसरा लिया था अपन ने लूप एनालिसिस। तो दोनों में डिफरेंस क्या था अपने पास, दोनों में डिफरेंस ये था कि अपन ने क्या क्या निकाला था। सबसे पहले तो ये तो किस लिए काम में लेते हैं, क्या निकालने के लिए काम में लेते हैं, संधि बिंदु पर वोल्टता निकालने के लिए। संधि बिंदु पर वोल्टता ज्ञात करने के लिए, और ये वाला कहाँ पर काम में लेते हैं, लूप एनालिसिस, लूप में धारा निकालने के लिए। लूप में धारा निकालने के लिए फिर अपन ने क्या किया था, ये किसकी सहायता से निकालती है, वो किसकी सहायता से, तो ये तो अपन में जो काम आता है वो कौन सा आता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। क्योंकि इसमें क्या किया था, अपन ने संधि बिंदु माने थे, और संधि बिंदु पर ही अपन क्या निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, तो वहां पे जो काम आता है वो क्या आता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आता है। यदि इस पे बात करें तो इसमें क्या काम आया अपना, किरचॉफ का सेकंड नियम। ये क्या अपना, किरचॉफ का सेकंड नियम। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, किरचॉफ का प्रथम नियम की सहायता से, किरचॉफ के सेकंड नियम की सहायता से। तो ये इन दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा दो तीन चीज का, कि इसमें क्या निकालनी है, वोल्टता निकाली जाती है, इसमें क्या निकाली जाती है, धारा निकाली जाती है, इसमें क्या किरचॉफ के प्रथम नियम की सहायता से निकालते हैं, इसमें किरचॉफ के सेकंड नियम की सहायता से निकालते हैं। तो ये वाला आपका, ये दोनों मेथड थे, तो दोनों मेथड कंप्लीट हो गए। इस बेस पे अपन एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, कंप्लीट न्यूमेरिकल करके आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है इस बेस पे। एक चीज आप देखना कि ये इसमें बहुत जनों को रहता है कि चाहे कितनी बार भी पढ़ा दूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो ज़्यादा 2 से 3 बार पढ़ाने के बावजूद भी ये बहुत सारे प्लस माइनस की मिस्टेक करते हैं। तो ये प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है, मैं एक बार एक सर्किट लेके आपको और बता देता हूँ कि इक्वेशन कैसे बनानी है। देखो एक बार ये सर्किट देख लो आप, करना क्या है इसमें, अपने पास दो करंट है I1 और I2। तो यहाँ पे क्या लगा रखा है E, तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे जो जा रहा है वो कितना जा रहा है I1, यानी यहाँ तक तो कितना आ रहा है अपना I1। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है अपना I2, यानी इस सर्किट में क्या जा रहा है I2 जा रहा है। तो ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, तो ये वाली करंट कितनी होगी अपनी, आने वाली धारा, यानी इस पॉइंट पे बात करें ये क्या अपना नोड पॉइंट है, यहाँ पे आने वाली धारा I1 है, जाने वाली धारा कितनी है I2 प्लस की एक ये, तो इसको मान लेता हूँ मैं I3। तो I3 किसके बराबर होगा, I1 माइनस का I2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि I1 माइनस का I2 करंट हो जाएगी ये। यदि इसमें इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लूप दे देते हैं, लूप दे दिया तो मैंने ए बी सी डी ई और एफ, यदि लूप देते हैं तो लूप फर्स्ट लेते हैं अपन ए बी ई एफ ए में, ये आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसके साथ ऐड नहीं है। तो ये एक बार इक्वेशन आपको अच्छे से बनानी आएगी तो कोई सा भी सर्किट आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या होगा अपने लूप फर्स्ट में, तो लूप फर्स्ट में यदि इक्वेशन बनाए तो I1 Z1 देखो यहाँ से चल रहे, दिशा के साथ चल रहे, तो ये क्या अपना I1 Z1, यहाँ से जब इसमें जाएंगे तो प्लस का देखो करंट के साथ जा रहे, यानी I1 माइनस का I2 साथ में क्या आएगा Z4, आगे क्या आ जाएगा माइनस का ई, माइनस का ई क्यों, क्योंकि यहाँ पे चल जाए तो पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, प्लस का या माइनस का, तो माइनस का आ रहा है तो माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अपन लिख सकते हैं कि I1 Z1 प्लस I1 Z4 माइनस का I2 Z4 माइनस ई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अपना I1 कॉमन आएगा, तो Z1 प्लस Z4 प्लस का I2 Z4 इज इक्वल टू ई। तो एक इक्वेशन तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। यदि सेकेंड लूप लगाते हैं तो सेकेंड लूप देखो, लूप सेकेंड क्या है अपने पास बी सी डी ई और बी,
इसमें यहाँ से चलेंगे तो ये क्या होगा, आई टू जेड टू, इस दिशा के करंट के साथ ही चल रहे अपन, यहाँ भी करंट के साथ ही चल रहे, तो ये क्या होगा प्लस का आई टू जेड थ्री। अब यहाँ से अपन वापस आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली करंट टकरा रही है, यानी जब अपन यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो करंट क्या आ रही है, तो अपन से टकरा रही है, यानी ये क्या आना चाहिए, आई वन माइनस आई टू जेड फोर। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेन, जो इसमें मेन चीज़ है वो यही है कि कई बार क्या करते हैं आप करंट का डायरेक्शन के ध्यान नहीं देके उसको भी प्लस कर देते हो, यदि भी यहाँ पे प्लस कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा अपने जब करंट अपन से टकराती है तब तो क्या लेना है माइनस, यदि करंट अपने साथ चल रही है तो क्या लेना है प्लस, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा आई टू जेड टू प्लस आई टू जेड थ्री माइनस का आई वन जेड फोर प्लस का आई टू जेड फोर। तो देखो इसमें आई वन कॉमन आ रहा है, आई टू आई वन तो क्या आई वन जेड फोर ऐसे कैसे रहेगा, और आई टू कॉमन आ रहा है तो आई टू कॉमन ले लिया, कितना आएगा जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर इक्वल टू जीरो। तो आप इसके भी सारणिक बना के लिख सकते हो, क्या बनेगी उस इसकी सारणिक, देखो सबसे पहले जेड की बात करें तो माइनस का दोनों इक्वेशन है अपने पास, आई वन की लिखे तो जेड वन प्लस जेड फोर और ये हो जाएगी जेड फोर, ऐसे ही इसकी बन जाएगी माइनस का जेड फोर, इसकी बन जाएगी जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा आई वन आई टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई जीरो। तो ये भी क्या अपना, ये भी जो अपन मेथड बनाया वो भी क्या है, यही मेथड है लूप एनालिसिस मेथड है, यानी वो इसमें क्या था तीन लूप थे, इसमें क्या है दो लूप है, तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करना है आप इसी प्रकार वही डेल जेड, ये वाला कंप्लीट क्या हो जाएगा डेल जेड, इसको यहाँ से रिप्लेस करोगे तो डेल वन डेल टू डेल थ्री, ऐसे ही आई वन क्या हो जाएगा अपने पास डेल वन अपॉन में डेल जेड और आई टू क्या हो जाएगा अपने पास डेल टू अपॉन में डेल जेड। तो ये वाली वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो, आई निकाल सकते हो। तो इस बेस पे अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं, ये लिख लीजिए को अपन ने पढ़िया, क्या पढ़ा था मेथड पढ़ा था लूप एनालिसिस, उसी के बेस पे अपन क्या देखते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल देखने के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, यदि इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस, यहाँ पे क्या अपना जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर जेड फाइव क्या लग रहे हैं इम्पीडेंस लग रहे हैं, जिन सबकी वैल्यू दे रही है 6 ओम 18 ओम 4 ओम, यानी जो वैल्यू ओम में इसका मतलब क्या अपने पास जेड है, यदि ओम इनवर्स होता तो क्या होता वाई होता, तो यहाँ पे हो गया 6 18 4 फाइव और फोर। यहाँ पे कह रहा है कि आई वन इसमें आई वन आई टू और आई थ्री तीनों लूप में अलग अलग है, तो इसमें क्या निकालना है लूप विश्लेषण की सहायता से धारा का मान निकालना है, यानी कौन सा मेथड काम में लेना है लूप एनालिसिस मेथड काम में लेना है, करंट कितनी निकालनी है अपन को आई वन आई टू और आई थ्री निकालनी है। तो अपन बात करते हैं तीनों की, तो देखते हैं कि कैसे मेथड काम में लेता है और कैसे करंट निकलती है इसकी। तो सबसे पहले तो क्या बात करें इसकी, करंट की डायरेक्शन फिक्स कर दो, तो करंट की डायरेक्शन फिक्स करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है अपना आई वन, तो यहाँ तक तो कितना आया अपना आई वन, यहाँ आई टू बता रहा है तो ये कितना है आई टू, तो ये कितना हो जाएगा आई वन माइनस का आई टू, किसके किरचॉफ के फर्स्ट नियम की सहायता से, ये संधि बिंदु हो गया, यहाँ पे आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आई वन माइनस आई टू, ये आई टू आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा अपना आई थ्री और ये आई टू माइनस का आई थ्री हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इसी में क्या करना है अपन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो क्या करते हैं लूप के लिए नाम दे देते हैं अपन, यानी नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो देखो फर्स्ट लूप की बात करते हैं, यदि इसमें फर्स्ट लूप की बात करें कि चौक का, तो लूप फर्स्ट यानी नाम दे दो इसमें ए बी जी एच ए में कि चौक के सेकेंड नियम से, तो ये क्या आएगा अपना 6 जेड 1, जब फर्स्ट डायरेक्शन में चले तो 6 जेड 1, जेड वन नहीं जेड की तो अपने पास वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा 6 I1, यानी एक बार वैल्यू लिखनी है तो वो लिख लो, यानी आई वन जेड वन आएगा, फिर क्या आएगा प्लस का आई वन माइनस का आई टू साथ में जेड टू आएगा और माइनस का कितना आएगा ई इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू है अपने पास आई वन ऐसे का ऐसे, जेड वन की वैल्यू कितनी है 6 प्लस आई वन माइनस आई टू, जेड टू की वैल्यू कितनी है 5 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा 6 I1 प्लस 5 I1 माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 10, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11 I1 माइनस का 5 I2 इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन तो क्या बन जाएगी ये बन जाएगी। फिर अपन बात करते हैं लूप सेकेंड में,
सेकेंड लूप कौन सा है अपने पास, बी सी एफ जी बी में। यदि इस लूप की बात करें तो इसमें क्या होगा, आई टू जेड थ्री, यानी आई टू जेड थ्री प्लस उस डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस का आई टू माइनस का आई थ्री हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आई टू माइनस का आई थ्री साथ में क्या जेड फोर। यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ऊपर जाएंगे और करंट सामने से टकरा रही है, यानी ये क्या होगा माइनस का आई वन माइनस का आई टू और साथ में जेड टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। वैल्यू रख सकते हैं आई टू जेड थ्री कितना है अपने पास, जेड थ्री 18, तो ये 18 आई टू प्लस का आई टू माइनस का आई थ्री। जेड फोर कितना है, जेड फोर की बात करें तो जेड फोर की वैल्यू 4 माइनस का आई वन माइनस का आई टू और जेड टू की वैल्यू 5 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, 18 आई टू प्लस 4 आई टू माइनस का 4 आई थ्री माइनस का 5 आई वन प्लस का 5 आई टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो ऐड हो रहे वो ऐड कर लो तो माइनस का 5 आई वन रहेगा, फिर आई टू अपने पास कितना है प्लस ही है तो प्लस 5 आई टू रहेगा, और आई आई टू कितने है? 2 है आई टू, देखो एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो 5 6 9 आई टू, और आई आई टू 3 है सॉरी। देखो फर्स्ट तो आ गया माइनस का 5 आई वन, ये वाली टर्म हो गई। आई टू कितना है 1 2 और 3, यानी 5 6 9, 9 और 18 28 यानी 27 प्लस का 27 आई टू माइनस का 4 आई थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बन गया अपनी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ऐसे ही लूप थर्ड की बात करें तो लूप थर्ड का नाम दे दिया अपन ने सी डी ई एफ सी में, ई एफ सी में। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 4Z5 यानी आई थ्री जेड फाइव, वहाँ कुछ भी नहीं है। जब यहाँ से अपन माइनस में ऊपर चलेंगे तो टकराएगी करंट, तो आई टू माइनस का आई थ्री साथ में क्या आ जाएगा जेड फोर इज इक्वल टू जीरो। आई थ्री जेड फाइव की वैल्यू कितनी है 4, माइनस का आई टू माइनस का आई थ्री, तो आई टू माइनस का आई थ्री कितना है 4 है, आई टू माइनस का आई थ्री 4, तो आई टू माइनस का आई थ्री कितना है 4 इज इक्वल टू जीरो। तो लिख सकता हूँ 4i3 माइनस 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू, ये माइनस है तो निशान चेंज हो जाएगा, तो i3 कितना रहेगा अपने पास, देखो माइनस का i1 तो कुछ भी नहीं है तो i1 मान लेता हूँ मैं, कितना है अपने पास 0, माइनस का 4i2 और प्लस का 8i3 इज इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन क्या करते हैं इसमें क्रेमर नियम लगाना है। तीन इक्वेशन आ गई, देखो तीन इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, 11i1 माइनस 5i2, यहाँ i3 नहीं है तो i3 क्या कर लो 0 इज इक्वल टू 10। सेकेंड वाली इक्वेशन है अपने पास माइनस का 5i1 प्लस 27i2 माइनस का 4i3 इज इक्वल टू 0। थर्ड वाली इक्वेशन है आई वन कुछ भी नहीं है तो आई वन 0 प्लस माइनस का 4i2 प्लस का 8i3 इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों इक्वेशन क्या कि मैंने एक साथ लिख ली। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन, क्रेमर नियम लगाते हैं। तो क्रेमर नियम लगाते तो ये क्या आ जाएगा, क्रेमर नियम से सारणी क्या मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपना 11 माइनस 5 और 0 माइनस 5 27 और माइनस 4 0 माइनस 4 और 8। तो ये तो क्या बन जाएगा अपना, जो डेल जेड बन रहा था वो डेल जेड ये बन जाएगा। ऐसे ही आई क्या बनेगा, आई वन आई टू और आई थ्री, तो ये बन जाएगा। और जो ई 0 0 वाला था यानी 10 0 0, तो ये तो क्या बन जाएगा अपना क्रेमर नियम से सारणिक बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करते तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको तो क्या मानना है अपन, ये तो जेड बन गया, ये आई बन गया और ये ई बन गया। तो सबसे पहले तो डेल जेड निकालना है, डेल वन निकालना है, डेल टू निकालना है, डेल थ्री निकालना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे निकालता हूँ। एक अपने पास ये वाली चीज हो गई अपने पास, फिर क्या करते हैं अपन, सेकंड
सबसे पहले निकालते हैं अपन डेल जेड की वैल्यू। तो डेल जेड कितना है अपने पास, 11 -5 0 -5 27 -4 0 -4 8। निकालते कैसे इसको, सबसे पहले 11 लेंगे, तो 11 लेंगे तो ये वाली और ये वाली नहीं होगी, तो 27 × 8 माइनस और -16, माइनस का 5 आएगा, 1 माइनस का 5 12 आ जाएगा, तो ये क्या रहेगा अपने पास, ये क्या रहेगा -5 हो जाएगा, ये वाली हटानी और ये वाली हटानी है, तो ये क्या रहेगा अपने पास, माइनस का 40 माइनस का 0, तो -0 है तो वो 0 ही रहेगा, प्लस का 0, तो इसमें जो भी टर्म आएगी वो कोई मतलब नहीं है, तो आएगी तो 20 - 0, तो ये वाली टर्म तो कोई मतलब नहीं है, अपने पास रहेगा 27 × 8, 8 बजे 40, 56, 56, 17 18 19 20 21, 216 - 16, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, यदि इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5 और 20 यानी 200 प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 200, और ये कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा अपना 11 216 - 16 यानी 200 हो जाएगा, माइनस का 200 = 0, 0 नहीं ये सॉल्व होगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 2200 -200 यानी डेल जेड की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2000। ये तो किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, डेल जेड की। अब अपन को किसकी निकालनी है, डेल वन की निकालनी है, तो डेल वन कैसे निकलता है अपन को पता है, डेल वन निकालने के लिए जो ई वाली सारणी के वो कहाँ रिप्लेस करनी है फर्स्ट वाले में, तो ये हो जाएगा अपने पास, यदि डेल वन निकालना है तो वो हो जाएगा 10 0 0 और ये रहेगा 5 27 और -4, 0 -4 और 8, इसको भी यदि सॉल्व करते तो ये क्या आएगा 10 10 रहेगा, तो 27 - 8 27 × 8 -16, फिर क्या रहेगा -5, ये 5 कौन सा है -5, तो ये क्या रहेगा अपने पास, जब ये वाली जाएगी और ये वाली जाएगी तो 0 - 0 और ये क्या +0 रहेगा, तो इसमें तो केवल ये वाला हट जाएगा ये वाला हट जाएगा, तो क्या रहेगा 10 27 × 8 कितना 216 - 16 200, तो ये भी कितना होगा अपना 2000, यानी डेल वन की वैल्यू भी कितनी आएगी अपने पास 2000। अब यदि बात करते हैं अपन डेल टू निकालना है, तो डेल टू निकालने के लिए क्या करें, तो देखो अपने पास जो जो वैल्यू आ रही है वो उसको मैं एक साइड में लिख देता हूँ, कि डेल जेड तो कितना है अपना 2000, डेल वन कितना है अपना 2000। अब यदि बात करते हैं अपन डेल टू की, तो डेल टू निकालने के लिए क्या करें, डेल टू निकालने के लिए यानी ई 0 0 को यहाँ पर रिप्लेस करना है, यहाँ पर रिप्लेस करना है यानी ये वाली लाइन यहाँ पर रिप्लेस होगी, तो ये क्या हो जाएगा 10 0 0, तो ये हो जाएगा अपना डेल टू। तो डेल टू कैसे निकलेगा अपना, 11 0 - 0 -10, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 -0 +0, यानी ये डेल टू कितना हो जाएगा अपने पास 400, यानी मल्टीप्लाई होगा तो 400 प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही डेल थ्री निकालना है, तो डेल थ्री कितना रहेगा अपने पास 11 - 5 0, बीच में कितना था -5 27 - 4, ये रहेगा अपने पास 10 0 0, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 11 0 - 0 -5 जो आता है वो रहेगा ही अपने पास, तो ये रह जाएगा अपने पास 0 - 0 ये भी +10, तो 10 रहेगा तो अपने पास -20 -0, तो ये 0 हो गया ये 0 हो गया, तो ये टोटल कितना बचा अपना 200 कौन सा माइनस का क्योंकि ये माइनस कौन सा ले रहे हैं, एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है, उसकी वजह से ये माइनस ले रहे हैं। तो अपना डेल थ्री कितना आ गया, देखो डेल टू तो आया तो 400 400, डेल टू तो 400 और डेल थ्री कितना आ गया अपने पास माइनस का 200, ठीक है। तो ये आ गया अपना टोटल, डेल जेड भी आ गया, डेल वन भी आ गया, डेल टू भी आ गया और डेल थ्री भी आ गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
देखो अब अपन बात करते हैं कि इसमें आई वन आई टू आई थ्री कैसे निकालना है। तो अपन को पता है कि आई वन आई टू आई थ्री क्या होता है। आई वन आई टू आई थ्री में जानते हैं कि आई वन क्या देता है अपन को, डेल वन अपॉन में डेल जेड। तो डेल वन कितना है अपने पास 2000, डेल टू कितना है अपने पास 400, नहीं डेल जेड सॉरी टू नहीं, ये तो डेल वन हो गया 2000, और ये भी कितना डेल जेड, ये डेल जेड है तो डेल जेड कितना है अपने पास 2000, तो ये कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। यदि आई टू की बात करें तो डेल टू अपॉन में डेल जेड, तो डेल टू कितना है अपने पास, डेल जेड तो है डेल टू तो कितना आएगा अपने पास 400, और ये कितना आ जाएगा 2000, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 से 2 यानी 1/5 एम्पियर। ऐसे ही आई थ्री की बात करें तो डेल थ्री अपॉन में डेल जेड, तो डेल थ्री कितना है अपने पास माइनस का 200, और डेल जेड कितना है 2000, तो 2 से 2 यानी माइनस का 1/10, तो माइनस करंट नहीं रहती तो ये क्या आ जाएगा 1/10 एम्पियर। यानी ये क्या तीनों करंट आ जाएगी तीनों लूप में, यानी आई वन तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, आई टू कितना आ जाएगा 1/5 एम्पियर, और आई थ्री कितना आ जाएगा 1/10 एम्पियर। तो ये इन तीनों के क्या हो जाएंगे रिजल्ट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी मेथड बताया मैंने वही मेथड काम में लेके, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है कि लूप विश्लेषण की सहायता से धारा का मान ज्ञात करो। तो जैसे ही आप कोई भी जटिल सर्किट आता है, कठिन सर्किट आता है, उसमें यदि आप जो मेथड काम में लेते हो तब तो वो क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा, यदि आप उसमें नॉर्मल वे से करते हो तो वो क्या बनेगा कठिन बनेगा। तो कठिन से सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए आप क्या करो ये इस टाइप के मेथड ध्यान रखो। दो मेथड तो ये अपने पास, एक तो कौन सा संधि विश्लेषण, दूसरा है लूप विश्लेषण। इन दोनों चीजें का ध्यान रखो और आई वन आई टू इस फॉर्म में निकाल सकते हैं अपन। तो आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। फर्स्ट हो गया अपने पास सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन थी, शानदार डेफिनेशन थी। उसके बाद अपन ने किया है किरचॉफ लॉ, तो दो किरचॉफ लॉ थे उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी देखा था। उसके बाद अपने पास एक टॉपिक था कि किरचॉफ नियम की सहायता से जटिल परिपथों का हल निकालना, तो उसके दो मेथड थे, एक तो संधि विश्लेषण दूसरा था लूप विश्लेषण। तो ये आपका लूप विश्लेषण कंप्लीट होता है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और वीडियो के साथ।